नमस्ते मित्रों, सभी भाई बहनों को जय श्री राम। अब हम भाई दूज के बारे में जानेंगे। तो भाई दूज क्यों मनाया जाता है, इसका जो पौराणिक कथा है वो भी जानेंगे, और भाई दूज कैसे मनाए और उसका मुहूर्त क्या है ये भी जानेंगे। भाई दूज का त्यौहार देश भर में 16 नवंबर 2020 को यानी सोमवार को मनाया जाएगा। भाई दूज हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रत, बहने व्रत, पूजा और कथा आदि करके भाई की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करते हुए माथे पर तिलक लगाती है। इसके बदले भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए तोहफा देते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त में ही बहनों को भाइयों पर माथे पर टीका लगाना चाहिए। मान्यता है कि भाई दूज के दिन पूजा करने के साथ ही व्रत कथा भी जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आचार्य एस नागपाल ने बताया कि भाई दूज का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज का टीका शुभ मुहूर्त है 12:56 से लेके 3:06 तक। भाई दूज की कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख में यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसकी पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए अतिथि से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र आप प्रति वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहता हुआ यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन के पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि अतिथियां स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता, इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजा किया जाता है। तो ये था यमुना का कथा और भाई दूज की कथा। तो इसके अनुसार आप भाई दूज मनाएं। और समय का महत्व होता है, तो जो समय दिया गया है उस समय पर आप भाई दूज मनाएं तो आपके लिए अच्छा है। तो बोलो भाई बहनों की जय।